हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग एंड सुबह की राम राम। तो गाइस अब भी देख रहे होंगे हमारे पीछे बैकग्राउंड में कचरा वगैरह उग रही है और पेड़ के नीचे बैठे हैं, तो आप सोच रहे होंगे ये कहाँ गए। एक्चुअली कल का ब्लॉग नहीं बना पाया, कल गांव आ गया था मैं, गांव पे कब ब्लॉगिंग ही नहीं कर पाया, मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गया था और थोड़ा बहुत काम भी था। मैं क्लिप डाल दूंगा, थोड़े बहुत हमने लकड़ी वगैरह के काम किए थे, काम करवाने ही आए हैं हम, एक ऐसे समझ लो। कल दीदी की बधाई थी तो मेहमान वगैरह भी आए थे और कुछ काम भी करवाना था, जो खाद वगैरह होता है ना, कूड़ा कचरा था वो खेत में फेंकने गए थे हम। अब भी जा रहे हैं, सुबह हो गई है तो अभी जा रहे हैं हम, क्या लकड़ी है घर पे रखने के लिए, मतलब एक ट्रॉली वगैरह के लकड़ी घर पे रखने जाएंगे। अभी खीरे में बहुत सारी हमने कटिंग करके रख ली हैं। क्या हो गया, तो अभी जा रहे हैं खीरे में हम लकड़ी है पूरी इकट्ठी करके उसमें ट्रैक्टर ट्रॉली में रख के और उसको घर पर रखेंगे अभी। चलो तो चलते हैं, मैं तो उठा के घर पे पटकी थी और कुछ बहुत से काम किए थे और अभी मैं आ रहा हूँ गाइस रामायण पढ़ के, और रामायण के भी शॉर्ट्स डाल दूंगा थोड़े बहुत मैं, क्योंकि मैं मंदिर पे गया था अभी, तो सुबह से मैंने ब्लॉगिंग नहीं कर। अभी गाइस 2 बज रहे हैं दोपहर के, तो अभी आए थे पेड़ के, लाइट आती नहीं है गाँव में भाई, तुम्हें पता है अभी भी नहीं आ रही लाइट। तो मैं आया था ऐसे ही इधर घूमते आ रहे थे, तो सौरभ भाई वीडियो बना रहे थे अपने, उनका भी चैनल है अनोखी वीडियो का, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनको भी आप जाके सब्सक्राइब करो, देखें कैसा क्या कंटेंट है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना भाई को। तो मैं इधर ही जा रहा था, जस्ट हमारे खेरे में जा रहा था, तो वो उनकी वीडियो बना रहे थे यहाँ पे, मुझे आवाज़ आई तो मैं फिर आया, मैंने सोचा मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ। वो भाई उनकी ये जो उनमें बना रखा है एक सिस्टम, ये माइक है ना, इनने देसी भाई जो MIC है, इसको माइक बोलते हैं, माइक्रोफोन बोलते हैं पता नहीं कैसे क्या बना रखा है। मैं अभी इसको टेस्ट करके देख रहा था आवाज़ क्लियर आती है या नहीं, तो हम मैंने पहले तो मोबाइल से शूट किया, थोड़ा बहुत आवाज़ आ रही थी पत्तों की, अब इसको लगा के शूट कर रहे हैं, फिर देखेंगे आवाज़ क्लियर आती है या नहीं आती, बाकी अब मैं देखता हूँ। वही सौरभ भाई से तो बात हो गई है, कुछ टैक्स वगैरह वो टेक्निकल्स वगैरह वीडियो बनाते हैं और उनका चैनल का नाम है अनोखे करके है, तो वो तो मैं दे ही दूंगा लिंक, बाकी अब चलते हैं अपने खेरे में। तो वही आपने मेरे पुराने ब्लॉग में देखा होगा, मैं ये देखो गाय के खाने के लिए चारा होता ना वो हो रहा था उस टाइम पे, मैं कम से 2-3 महीने के समथिंग हुए तब, कितना मतलब बुवाई हो रही थी, अब देखना भाई कितना बड़ा बड़ा हुआ है यार, मतलब कटाई भी हुई इसकी एक बार और ये रहा इतना बड़ा। कुछ उस उधर भी लगाया तो चलो उधर देखते हैं, आम वगैरह की पेड़ भी हैं, मतलब छोटे छोटे से दाने थे वो कितने हुए यार। मैं मतलब बहुत दिनों बाद आया, मैं भूखा ही चला गया था डायरेक्ट गुना, तो बाकी ये रहे अपने आम के पेड़, तो बड़े बड़े आम लग रहे हैं उसमें, आम बताता हूँ पहले, आम भी छोटे छोटे थे काफ़ी, बाकी एक जे रही यहाँ पे भी मैंने लगाए थे। और भाई इतनी ठंडी हवा रही, प्यारी ठंड, क्योंकि यहाँ पे छाए है ना पेड़ के वजह से, और वो नॉर्मल लग रही, क्या लग रही है, हाँ वही है भाई। बाकी बड़े बड़े आम बताते हैं आपको, देखो भाई यहीं से कितने से गुच्छे लग रहे हैं, बड़े बड़े हैं यार यहाँ तो, देखो भाई। और अनार भी लग रहे हैं, अनार भी लगाया था मैंने, वो बहुत दिन पहले लगाया था अनार, देखो भाई कितने बड़े बड़े आम हैं। बाकी अनार का पेड़ ही बताते हैं आपको, अनार तो उसको पता नहीं बहुत टाइम हो गया, काफ़ी लॉन्ग टाइम, ये रहा अपना अनार का पेड़, देखो पूरा लद रहा है भाई साहब, झमझम हो रहा है, पूरे अनार ही अनार लग रहे हैं इसमें, देखना कितने सारे ये अनार, और भाई क्या बात है। मगर ये शायद खाने योग्य नहीं है, इसमें इल्ली वगैरह भर गई हैं अभी तो, सब दिख रहा है जैसा पूरे सड़ गए ना, खाने योग्य टाइप में नहीं है आज। बाकी थोड़ा बहुत बैठते हैं यहीं पर रेस्ट करते हैं, क्योंकि जो हवा मतलब जो कूलर पंखे की हवा नहीं होती, वो इस छाए में बैठने में जो आनंद आता है वो मज़े ही आता है। ठीक चलेंगे थोड़ी देर से घर पे, रामायण वगैरह तो क्या अपना 2 घंटे पढ़ के आ गया था मैं, पापा वगैरह है नहीं तो उनकी ड्यूटी मुझे देनी पड़ी थी, तो अभी चलेंगे घर पे। तो काफ़ी घाम हो रहा है ना गाइस, तो मैं तौलिया लेके आया था इसी चक्कर में कि भाई इसको ऐसे डाल लो तो घाम धूप कम लगती है, धूप या घाम जो भी इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम आए, और लग गया यार हवा चल रही ना इस चक्कर में उड़ रही है, तो लिए रेड रेड आ लिया भाई, भगवा जय जवान जय किसान भगवा टाइप में है ना। तो बाकी चलते हैं गाइस घर पे, मिलेंगे 1 hour later। अभी ऐसे आए थे हम मस्त घूमने के लिए, समोसे ममोसे खाने के लिए, तो यार अभी गए थे उधर पार्सल, तो वहाँ पे तो देखा था शॉप ही ऑफ थी, मतलब दुकान बंद थी, तो यही रास्ते पे फोटो शूट वगैरह चल रहा है बफेलो के भैंसों के साथ में, हल्के भाई मस्त फोटो खींच रहे हैं खिंचवा रहे हैं जी। नमस्ते सर, व्हाट इज़ योर नेम,
कार्तिक यादव, कार्तिक यादव हमारा चैनल देखना आप यूट्यूब पे, हमारा छोटा सा चैनल लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करना आप उसको। बाकी मस्त मौसम हो रहा है गाइस, बहुत दौड़ में देखो दो दो बाइक रखनी है आई जे भंड ब्राह्मण वाली वो यादव वाली मस्त, और उधर फोटो शूट हो रहा है तो मैं फोटो शूट खिंचा लेता हूँ। खींच गया गाइस, देख लिया आपने क्या मस्त फोटो आया यार, और ट्रैक्टर आ रहा, मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ, बाकी मिलते हैं घर पे। मैं आ गया था मगर फिर मैं एक और खीरे में आया हूँ, एक और खीरे में देखिए भाई पक्के पक्के पपीते लग रहे हैं, ये देखिए यार क्या मस्त है। बाकी मौसम भी लग रहे हैं अपने, ये रहे मौसमी का पेड़ देखिए जी, लग रहा है मौसमी कितने सारे इसमें भी, और ये रहा एक और अनार का पेड़, तो वो गन्ने लग रहे हैं, ये है भिंडी का पेड़, इसमें अभी देखो भिंडी लग रही है छोटी छोटी जी, मस्त भटे भटे भी लग रहे हैं, मगर भटे लग रहे हैं देखो, ये लग रहा है भटा भाई, भटे छोटे से तोड़ कर खाते हैं बढ़िया रहता मस्त ये, बाकी इनको तोड़ते हैं अपन।